तो गाइस हम गए थे अथर्व को स्कूल से पिक करने के लिए, पर अथर्व स्कूल में नहीं था। अथर्व मम्मा डर गई थी, आप कहाँ थे बाबा? Hey guys, good morning. Welcome back to our new blog. So hope आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो, सब अच्छा है, सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज है एक नई दिन की शुरुआत, और आज के दिन की शुरुआत ऐसे हुआ कि आज मम्मा हो गई थी लेट उठने के लिए। गुड़ेलाल अंकल आ गए। कैसे हो भैया? तो आज मम्मा हो गई थी सुबह लेट उठने के लिए, और फिर सब कुछ हुआ मैस। तो आज मैंने फिर क्या किया, मैंने जो वैन वाले भैया है उनको मैंने मना कर दिया कि भैया आप छोड़ो, आप निकल जाओ, मैं अथर्व को खुद ड्रॉप करके आऊंगी। तो अब अथर्व हो गया है बहुत खुश, क्योंकि आज मम्मा जा रही है अथर्व को ड्रॉप करने के लिए। पापा आएंगे। हाँ, और अथर्व ने पापा से कल रात शाम को प्रॉमिस करवाया था कि पापा आप मुझे लेने आओगे शाम को। शाम को नहीं, परसों से मैंने बोला। हाँ, मतलब स्कूल से आप ही मुझे लेने आओगे क्योंकि आप घर पे हो। तो होपफुली आज लविश जाएगा अथर्व को लेने, और उससे भी अच्छी बात है कि आज मम्मा जा रही है अथर्व को ड्रॉप करने। तो चलो हम निकलते हैं, हम आज थोड़ा सा लेट है, तो 10-15 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे अथर्व के स्कूल। तो चलो फटाफट पहुंचते हैं अथर्व के स्कूल, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन भाई सुनो, एक चीज समझ जाते, हर एक गर्ल हमेशा ऐसे चलाती है गाड़ी पूरा स्ट्रेट। ऐसे नहीं होता है पूरा स्ट्रेट, दैट्स अ बायसनेस अथर्व। ऐसे बॉयज तो नहीं चलाते, बॉयज तो गियर का भी देख के ही मारते। तो गर्ल्स का गियर नहीं देखती है? नहीं, ऐसे नहीं, बकवास कुछ भी। तो चलो गाइस, ये तो बकवास करते रहेगा, तो हम पहुंचते हैं स्कूल। तो भाई ये पहुंच गए हम अथर्व के स्कूल, अब मम्मा करेगी अथर्व को ड्रॉप। कहीं पे आपको स्कूल के नाम की बच्चे को क्या पता मिलना है तो तो अथर्व जी कैसा लग रहा है आपको स्कूल पहुंच के? अच्छा लग रहा है? चलिए भाई, चलिए चलिए, बहुत लेट हो गए हम। ये तो पता है कि किसकी लड़की को अच्छा है। जाओ बाय। तो फ्रेंड्स अथर्व को तो कर लिया है ड्रॉप, और अब चलते हैं घर। घर जाके देखती हूँ अगर मैं थोड़े से वॉक के लिए जा पाई तो चली जाऊंगी, या तो फिर बाकी काम निपटाएंगे। तो चलो पहले पहुंचते हैं घर। चुकी थी और मैं हो गई हूँ, मतलब फ्रेश फ्रेश होके मैंने सारा काम निपटा लिया है, और एज कमिटेड टू अथर्व अभी पापा भी निकले हैं जाने के लिए, क्योंकि अथर्व ने बोला था कि पापा जाएंगे आएंगे आज मुझे लेने के लिए। तो इसलिए आप पापा भी निकले हैं और मैंने सोचा मैं भी जा रही हूँ, और वरदान को भी जाना है अथर्व भैया को पिक करने। तो अब हम वरदान के लिए वेट कर रहे हैं, वरदान आ जाएगा। अथर्व का 12:30 तक छुट्टी होना है, तो हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, अथर्व को पिक कर लेंगे वहाँ से। तो वरदान आ जाए, फिर मिलाती हूँ मैं आप लोगों को वरदान से। तो अथर्व को लेके आते हैं घर, और फिर उसके बाद देखते हैं आज का डे कैसे प्लान आउट होता है, देखते हैं। वैसे अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है कहीं जाने वाने का, अगर कुछ हुआ तो फिर देखेंगे। तो चलो वेट करते हैं वरदान का, वरदान 2 मिनट में आ जाएगा अभी। तो ये आ गया है वरदान, अथर्व भैया को पिक करने जाओ, बैठो पीछे। यस, बताइए। हाँ चलो, नहीं नहीं रखूंगी। तो वरदान एक्साइटेड, अथर्व भैया को पिक करने जाना है? हाँ। तो आ गया आज वरदान ने सुबह मुझे बोल दिया था, आज मैं जल्दी उठाऊं। तो आज सुबह वरदान ने मुझे बोला था कि आंटी जब आप अथर्व भैया को लेने चलोगे मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अब बोला आपने, बोला था ना, वो तो कॉल करके आपने बोला था। तो शुभ आपने बोला था ना मुझे,
हाँ जब मैंने बोला था कि वरदा नाथ भैया को लेने चलेंगे, लेने जाएगी आंटी। हाँ जब आंटी आई थी आपके पास भूल गया था। हाँ और नाथ भैया कितना खुश हो जाएगा आपको देख के, है ना। तो वरदान को भी जाना है मम्मा पापा के साथ, पर फिर भी वरदान आया है और रास्ते से मम्मा और पापा वरदान को पिक कर लेंगे। तो चलो भाई पहुंचते हैं हम अथर भैया को लेने। तो गाइस हम गए थे अथर को स्कूल से पिक करने के लिए, पर अथर स्कूल में नहीं था और उसके टीचर्स ने बोला है कि वो वैन वाले के साथ चला गया है। अब हम वैन वाले भैया को फोन कर रहे हैं, वो पिक नहीं कर रहे, तो अब हम जा रहे हैं उनके वहाँ पे, मतलब वो जहाँ पे दो तीन बच्चे और ड्रॉप करते हैं वो, तो हम वहाँ जा रहे हैं और हम जाके देखते हैं वहाँ पे अगर वो मतलब अथर उनके साथ होपफुली है। तो जा रहे हैं हम और जाके अथर को पिक करेंगे वहाँ से। आई जस्ट होप कि अथर उनके साथ ही है क्योंकि उनका फ़ोन लग नहीं रहा है और एक बार लगा तो उन्होंने उठाया नहीं और अब लग नहीं रहा है और हमें नहीं पता कि नहीं पता मतलब ऐसे हुआ कि मैंने ना स्कूल में टीचर को मैसेज नहीं किया था कि मैं आज खुद लेने आऊंगी अथर्व को, तो उन्होंने अथर्व को डिफरेंट मतलब उन्होंने अथर्व को बोला है कि ये आपको है ना जैसे जाते हो वैसे जाना है क्योंकि आपके टीचर मम्मा का कोई फोन मैसेज नहीं है हमारे पास। तो अथर्व शायद उन्हीं के साथ ही आ गया है क्योंकि वो गए थे दूसरे बच्चों को भी पिक करने, तो आई थिंक उन्हीं के साथ आ गया है। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, सो आई जस्ट होप कि अथर्व उन्हीं के साथ है। तो अब वो दो तीन बच्चे को ड्रॉप करते हैं पास ही, तो हम वही जा रहे हैं। अथर्व वहाँ होगा तो वहीं से पिक कर लेंगे अथर्व को। तो चलो यार जाते हैं, पहले अथर्व को पिक करते हैं, मतलब टेंशन हो रही है यार मुझे। क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो बच्चे जिनके साथ अथर्व आना जाना करता है रोज, उन्हीं के साथ है था अथर्व और उन्हीं के साथ ही उनके सामने मतलब वैन में बैठा है वो, तो इतना तो श्योर है कि अथर्व वैन से ही गया है बैठा। हाँ जब तक मतलब पिक नहीं करेंगे तब तक टेंशन रहेगी। तो चलो पहले अथर्व को पिक कर लेते हैं, हम जाके देखते हैं मतलब वो भैया मिल जाए, मतलब जाएंगे तो वो अगर फ़ोन ना भी लगे तो वो उन बच्चों को ड्रॉप करके तो घर तक जाएंगे अथर्व को ड्रॉप करने। बट आई जस्ट होप कि उससे पहले ही मैं उनसे मिल लूँ, नहीं तो टेंशन रहेगा यार। तो पिक कर लूँ अथर्व को, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अथर्व मम्मा डर गई थी, आप कहाँ थे बाबा? मैंने शाम को बोला भी था। हाँ। मैम ने सुना ही नहीं, मैं आपको मैसेज किया। अच्छा आपने उपास हेजल मैम ने बोला नहीं मम्मा को मैसेज करके पूछते हैं, आपने बोला क्यों नहीं कि मैम मम्मा को कॉल करने दो एक? पता नहीं मैम, अब थोड़ा सा हेजल मैम के नंबर से मम्मा को फोन कर देते हैं। लेकिन मैम अगर मानती नहीं तो? मानती ना, आप एक बार बोल के तो देखते कि मैम माय मॉम इज सपोज टू कम टू पिक मी। हम स्कूल से वापस आ रहे हैं, हम स्कूल गए थे आपको पिक करने, मम्मा इतनी डर गई थी बता है। आप फिर किशन भैया नहीं आए थे आज लेने? कोई और आया था। अच्छा उपासना मैम ही आई थी या कोई और भी था? कोई और नहीं, दूसरा वैन था, किशन भैया की पुरानी वैन थी। अच्छा ओके, माय गॉड मम्मा डर गई थी बेटा आपको, मम्मा टेंशन में आ गई थी कि कहाँ गया मेरा अथर, पूरे स्कूल में सिर्फ टू गर्ल्स बैठे हुए थे उनके पेरेंट्स के लिए वेट कर रहे थे। तो गाइस अथर को तो कर लिया है हमने पिक और अब हम जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं यार, टेंशन हो गई थी। तो अब जा रहे हैं हम कुछ खाने क्योंकि दोपहर हो गया है, अब डेढ़ एक एक सवा एक हो गया है, तो अब लग रही है भूख, तो चलते हैं। लविश ने कहीं पे देखा है कुछ अच्छा सा खाने का, तो देखते हैं वहाँ जाके, होपफुली वो खाने का अच्छा है, तो जाते हैं वहाँ पे, फिर मैं बताती हूँ हम क्या खाने आए हैं और क्या है वहाँ पे स्पेशल क्या है। तो पहुँचते हैं वहाँ पे, वहाँ पहुँचने में हमें लगेगा 29 मिनट्स, तो हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो ये अथर्व जी हमारे खा रहे हैं क्या, जलेबी या क्या बोलते हैं इसको अथर्व? आंवला नहीं, कुछ तो बोलते हैं इसको, इमरती। हाँ तो अथर्व ले आया अपने लिए इमरती और ये खा रहा है। देखो आज अथर्व ने खाया बहुत सारे सैंडविच, कपकेक और क्या खाया, ये वाला, और क्या खाया,
आज तो भाई लॉटरी लग गई थी अथर्व की कि मम्मा और पापा हाफ वे से अथर्व को लिए, और उसके बाद तो अथर्व की लग गई थी लॉटरी। अथर्व ने बहुत कुछ खाया पिया, घुमा फिरा, है ना। तो चलो गाइस, अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, बहुत थक गए हैं, तो करती हूँ मैं रेस्ट और सोते हैं अभी। और फिंगर्स फिंगर्स तो नहीं आ रहा है आपका? मत पूछिए, मम्मा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है आपके फिंगर्स आ रहे हैं। आप मत बोलो, हाँ ठीक है, ब्लॉग मत करते हो। ओके, तो चलो गाइस, ये तो हो गया पूरे दिन के सारे काम, और चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में। एंड जाने से पहले सबको फिर से एक बार थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड स्पेशल थैंक्स कि आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस को इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत सारा प्यार यार। सो प्लीज़, आप लोगों के मन में कुछ ऐसा हो कि आप एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे चाहते हो मैं शॉर्ट क्रिएट करूँ कि रिक्रिएट करूँ या वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ डू लेट अस नो, आई ट्राई टू डू दैट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू सून,